हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारी फीमेल्स पूछती हैं कि हमने आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 ली है, और आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लेने के बाद हमको 6 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी हमको पीरियड नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए? हमारे पीरियड आएंगे या नहीं आएंगे? क्या हम प्रेगनेंट तो नहीं हैं? इस तरह के काफ़ी भर भर के सवाल आते हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दी चुकी हूँ कि आपके पीरियड 6 हफ्ते तक नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। फिर भी मैं आज इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन, डाउट और कोई भी टेंशन मन में ना रहे। लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, अनवांटेड 72 या फिर आईपीएल लेने के बाद आपको 4 से 6 हफ्ते के बीच में कभी भी आपको पीरियड आ सकता है। अब 4 से 6 हफ्ते आपको कब से जोड़ने हैं? आपने जब आईपीएल ली है उसके बाद। कई बार क्या होता है कि आईपीएल लेने के बाद हमको 10 से 12 दिन के अंदर विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। अब विड्रॉल ब्लीडिंग में आपको कब से जोड़ना है? जब से आपकी विड्रॉल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उस दिन से आपको पहला दिन जोड़ना है। उस दिन से लेकर आपको अगले 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको नेक्स्ट आपका पीरियड आएगा, यानी कि विड्रॉल ब्लीडिंग के हिसाब से आएगा। आप कई सारी फीमेल क्या करती है कि आपने जिस दिन आईपीएल ली है उस दिन से जोड़ रही होती है, पर ऐसा नहीं है। जब आपको अगर विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है तो उसके नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपको बीच में आपको पीरियड आएगा। कई सारी फीमेल्स को 3 हफ्ते में भी आ जाता है, कहीं को 4 हफ्ते में भी आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल कॉमन है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि 6 हफ्ते तक भी आपका पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, कई सारी फीमेल्स तो 8 हफ्ते तक भी वेट कर लेती हैं, जो कि काफी सही है। क्योंकि देखिए, जो आईपीएल है उसका साइड इफेक्ट, मेन साइड इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो रेगुलर चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि हमारा पीरियड इरेगुलर हो जाता है। कई बार महीने में 2 बार आता है, कई बार 15 दिन में आ जा रहा है आपका पीरियड, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, अल्टरनेट डे पे ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल कॉमन है। देखिए, आपको करना क्या है? आपको पहली बात तो आपको 6 हफ्ते तक वेट करना ही करना है। आपको बिल्कुल पेशेंट बना के रखना है मन में, और ऐसा भी नहीं है कि इस पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल आप 4थे हफ्ते पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट लग रहा है तो उसमें आपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, या फिर कोई साइन आपको दिख रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, ताकि समय रहते ही आप उस प्रेगनेंसी को पकड़ पाएं, अगर प्रेगनेंसी लग गई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईपीएल भी फेल हो जाती है, 10% इसके फेलियर रेट भी होते हैं। कई बार फीमेल जो है काफी लंबे समय में इसे लेती है, जैसे कि इसको फर्स्ट के 24 आवर के अंदर ले लेना चाहिए, तो ये काफी अच्छा काम करेगी, 95% ही वर्क करेगी। अगर आप जितना डिले करती हैं, कुछ फीमेल डिले कर देती हैं, काफी लेट लेती हैं, कुछ तो 72 घंटे के बाद लेती हैं, तो ऐसे में फेल होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी जरूर कर लीजिए। 6 हफ्ते तक नहीं आ रहा है पीरियड, निगेटिव आ रहा है, फिर वेट कीजिए आप 6 हफ्ते तक वेट कीजिए। कुछ फीमेल 8 हफ्ते तक भी वेट कर लेती हैं, तो 8 हफ्ते तक भी वेट आप कर सकती हैं, पर उसमें आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं हार्मोन, जिससे कि आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आपके पीरियड रेगुलर होते हैं। कई बार फीमेल 6 हफ्ते तक वेट करती है, उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती है तो उनके पीरियड आ जाते हैं। कई बार 8 हफ्ते तक वेट कर लेती हैं तो हार्मोन जैसे ही सेट होते हैं आपके, आपके पीरियड खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। 8 हफ्ते में भी कई बार फीमेल के पीरियड आ जाते हैं। और अगर आपने सही समय पे सही तरीके से आईपीएल ली होगी तो ये फेल नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हाउ टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट में लिखें, या फिर डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, हमारे 2 और चैनल हैं, पर्सनल हेल्थ टिप्स और मॉमीज हेल्थ। काफी हेल्पफुल वीडियोज वहां पर भी मैं अपलोड करती हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उनको भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। काफी हेल्पफुल वीडियोज वहां पर मैं डेली अपलोड करती हूँ। इसके अलावा आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।